एक्सक्यूज मी, ये लें आपकी दवाई। किसने कहा था आपको दवाई लाने के लिए? ये 5 दिनों की दवाइयां हैं, डॉक्टर ने कंटिन्यू करने को कहा, इसलिए ये। कुछ नहीं खानी कोई दवाई, आप इसे ले जाएं तो बेहतर होगा। ये कैसी जिद है आपकी? ये दवाइयां लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ और मेरे शौहर कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया ये फैसला करने का? और प्लीज आप यहां से चले जाएं, अभी किसी ने देख लिया तो नया मसला खड़ा हो जाएगा। इस वक्त घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए मैं प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाएं। ठीक है, फिर आप दुआ करें कि मैं इतना बेहिस हो जाऊं कि मुझे आपकी फिक्र ना हो। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना, तो उनके साथ भी मैं ऐसे ही करता। लाइबा, आप मेरी इंटेंशंस को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं और जिसे सोच के आप मुझसे अनकंफर्टेबल फील करें। समझ रही हैं आप मेरी बात? लाइबा, सिर्फ आपको इतना करना है कि खुद के लिए लड़ना सीखें और अपने हक के लिए बोलना सीखें। फिर मैं आपकी बहन को आपसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। प्लीज लाइबा, आप अपना ख्याल रखें, अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए। मैं अपने शौहर को धोखा दिया है, तो बड़ा झूठ बोला है उनसे और उनकी बगैर इजाजत के इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने। लाइबा, आपने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही किसी को धोखा दिया, आप गलत क्यों सोच रही हैं? नहीं, ये सच है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइबा, प्लीज आप खुद को संभालें। हम उसे छोड़ देंगे अगर उन्हें पता लगा तो। आप प्लीज इस खौफ को अपने दिमाग से निकाल दें, ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी जाता है तो सब चीजों को मैं ही फेस करूं, आई प्रॉमिस। प्लीज अपना ख्याल रखें, प्लीज आप ये दवाइयां वक्त पे ले लीजिएगा, प्लीज।